वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज ग्राउंड ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूं प्रॉपर्टी। बेसिकली सेक्टर 23A में नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, बैक साइड में साउथ फेसिंग है। जो फ्लैट विंटेज करते हुए वो आपको वेस्ट फेसिंग है। 1600 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर इसमें बचा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्ड आउट है। इसका हो गया फ्रंट फसाड और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा, फ्यूअल प्रॉपर्टी है। इसका रैम्प इसमें प्रॉपर काम हो जाएगा मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो ये रैम्प हो गया। मूविंग ऑन टू दी स्टेल्ट पार्किंग, यहाँ पे एक एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी आपको। वैसे दो दो गाड़ी आप लगा सकते हो इसमें, और यहाँ से एलिवेशन आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है ये। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, और ये हो गया पार्किंग एरिया। इसमें आपको तीन बड़े साइज के गेट मिलेगी, एक एक गाड़ी का पार्किंग मिलेगा ऑन पेपर। और ये आप देख सकते हो पार्किंग एरिया है। फेस चेंजर यहाँ दिया गया है। स्टोरेज टैंक, वाटर टैंक यहाँ मिलेगा आपको, चार है, एक दो तीन, एक उधर बना हुआ है, चार है। 2.5 लीटर का आपको इसमें जो है स्टोरेज टैंक, वाटर टैंक दिया हुआ है, एक यहाँ पे आ गया, एक दो तीन और चार। और यहाँ पे हो गया पार्किंग एरिया। मोटर का वहाँ प्रोविजन दिया गया है उस तरफ वहाँ पे। और ये लिफ्ट कम स्टेयरकेस एरिया है। और इस तरफ जो है लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट ये फोर्थ फ्लोर तक आएगी, टॉप तक नहीं आएगी, टेरेस तक नहीं जाएगा, फोर्थ फ्लोर तक जाएगी। और जितने भी आपको एमसीबी है, सारे विप्रो ब्रांड के एमसीबी हैं, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, और ये स्टेयरकेस हो गया। लिफ्ट्स में फोर्थ तक, टॉप तक नहीं आएगी, फोर्थ फ्लोर तक ही आएगी। और छत हो गया, ये सॉफ्ट एरिया है। 1000 का सिंटेक्स दिया हुआ है इसमें। गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूं प्रॉपर्टी। बेसिकली सेक्टर 23A में नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, 3 BHK बना हुआ है। 1600 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है, और 263 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है ये। और ये नॉर्थ फेसिंग हो गया। जो फ्लैट एंट्री करते हुए वो आपको वेस्ट फेसिंग है। बैक साइड जो है वो आपको साउथ फेसिंग है। एक ये आपका हो गया फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम दोनों में अटैच वाशरूम है। यहाँ पे उन्होंने वाश बेसिन के लिए एक प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ भी वाश बेसिन बन जाएगी। और ये जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। थर्ड बेडरूम ये हो गया, और ये प्रॉपर मॉडल किचन है। अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो सारे में ही सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। और ये जो है इसका फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम भी इसमें वुडन टाइल का काम किया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है ये देखने में। और इसमें 2 फ्लोर बचा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्ड आउट है। UPVC के इसमें आपको स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ जो है इसमें आपको स्लाइडर वार्डरोब मिल रहा है इस तरफ, और AC का प्रोविजन दिया गया है। और इससे अटैच ये वाशरूम है, जो कि वाशरूम आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास फिटिंग्स आ रहे हैं, जैगवार के फिटिंग्स रहेंगे इसमें, और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। आपको इसमें विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इससे अटैच ये फ्रंट बैल्कनी होगी, जो कि नॉर्थ फेसिंग, मैंने बताया था अभी आपको। आउटडोर्स के सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं। टाइल्स का काम किया गया, टफर ग्लास यहाँ लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, और ये जो फ्रेंड्स इसका सेकेंड बेडरूम हो गया, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। वॉशरूम का भी काम हुआ हुआ है, वार्डरोब बनी हुई है इसमें, UPVC सारे डोर्स मिल रहे हैं। और इसमें इससे अटैच ये वॉशरूम है, अगर लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। अगर बात करें उसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी टाइल का काम किया गया प्रॉपर, जो कि आप देख सकते हो। फिटिंग जितने भी रहेंगे सारे जैगवार की फिटिंग्स हैं टैप के। और ये जो है शावर एरिया हो गया, बीच में सेंटर में कमोड है, और इस तरह वॉश मशीन रहेगा। और ये हो गया इससे अटैच वॉशरूम। और ये जो है कवर्ड, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या साइज एंड ऑल है। अंदर का स्टोरेज आप देख सकते हो, काफ़ी स्टोरेज एम्पल स्पेस दिया हुआ है इसमें, सारे सॉफ्ट फ्लोर से। अब इसमें हैंडल लगेगा, और ये भी जो है फ्रंट बालकनी से कनेक्ट हो रहा है फ्रंट से, जो कि आप देख पा रहे होगे।
और ये जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। अगर बात करें फ्लोरिंग की तो इसमें भी प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो ये फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें फर्स्ट क्लास। इस तरफ जो है यहाँ वॉश बेसिन आ जाएगा। और ये हो गया इसका ड्राइंग रूम, इसमें वुडन वर्क का काम अभी चल रहा है। और अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की तो इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। एसी के लिए प्रोविजन दिया गया है इसमें ड्राइंग रूम में ये। और यहाँ भी इस तरफ वार्डरोब का प्रोविजन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। बैक साइड में जो है फ्रेंड्स इस तरफ यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, आयरन की इसमें रेलिंग दी गई है जो कि आप देख सकते हो। आउटडोर्स के सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पीछे का स्पेस दिया गया है, इसमें प्रॉपर टाइल लगी हुई, पाइप सारे कवर कर रहे हैं, ये आपको कर दिए जाएंगे सीट से। तो ये ड्राइंग रूम हो गया। और ये इसके बाद जो है ये सेंटर में किचन दिया गया है, फर्स्ट क्लास है और प्रॉपर मॉडल किचन बनी हुई है। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें। यहाँ पे अनियन पोटैटो के लिए बास्केट दी हुई है, प्रॉपर काम इसमें वाइट मार्बल लगी हुई है। स्टोरेज के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं। ये इस तरफ जो है पैंट्री है और स्टील का सिंक मिल रहा है डोल आपको इसमें। और ये हो गया पैंट्री एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो डोल सिंक के फिटिंग सारे जगवार के रहेंगे। इस तरफ भी आपको स्टोरेज के लिए बनेगा बॉक्स। और यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हो, यहाँ फ्रिज का स्पेस दिया गया है। जो ये बॉक्स आप देख रहे हो वहाँ पे, ये बॉक्स वहाँ पे लग जाएगा उस तरफ। और इससे अटैच अच्छा फिटिंग्स में दिखा देता हूँ आपको क्या नहीं है। ये जितने फिटिंग्स हैं आप देख सकते हो, लिव स्मार्ट की सारे फिटिंग्स है, सारे सॉफ्ट फ्लोर से चैनल से। ऊपर में स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है, सारे सॉफ्ट फ्लोर से हिंजेस लगे हुए हैं। यहाँ चिमनी का प्रोविजन, यहाँ चिमनी आ जाएगी, यहाँ पे हवा आ जाएगा। प्रॉपर टाइल का काम किया गया, जो कि आप देख सकते हो। वो भी मॉडल थी थर्ड बेडरूम। और ये जो है इसका, इस पर प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। वॉशरूम का भी काम हुआ हुआ है, वार्डरोब बनी हुई है। पीपीसी के साइड डोर्स मिल रहे हैं, एसी का प्रोविजन दिया गया इसमें। और इससे अटैच से वॉशरूम हो गया, फिटिंग सारे जगवार के हैं इसमें। वैरायटी मिल रहा है इस तरफ आपको, जगवार के फिटिंग्स हैं। कमोड है, वो शावर एरिया हो गया। टैप्स के देख सकते हैं फिटिंग सारे जगवार के हैं। विंडो का प्रोविजन दिया गया है, उस तरफ सॉफ्ट एरिया है और वहाँ पे एग्जॉस्ट का पॉइंट भी दिया गया है। मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी, जो कि है साउथ फेसिंग है पीछे की तरफ। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। आप देख सकते हो ये जो एंट्री आप करते हो, ये आपको ईरोपा के इसमें आपको डोर लॉक दिया हुआ है। ये इसका एंट्री डोर का डिज़ाइन हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि लॉक कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 लॉक चैनल दिए हुए इसमें, काफ़ी हेफ्टी है। तो ये डिज़ाइन है इसका। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। इस तरह वॉश बेसिन आ जाएगी यहाँ पे। प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या है, नहीं वहाँ से चेकआउट कर लेना गाइस। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।